अल्टीमेट एम ऑफ बी कीपिंग इज टू गेट मोर एंड मोर हनी इन प्योर फॉर्म. द ओल्ड मेथड कॉमनली यूज बाय ओल्ड एपिकल्चरिस्ट इज वेरी क्रूड क्रूल एंड ऑफ अनप्लान टाइप. दिस ओल्ड मैथड इज कॉल्ड एज इंडिजिनस मैथड. यूज टू टाइप ऑफ हाइव्स इन बी कीपिंग, एग्जाम्पल वॉल हाइव्स एंड मूवेबल हाइव्स. वॉल्व हाइव इट इज प्योरली नेचुरल टाइप ऑफ कॉम बिकॉज द बीज देमसेल्व्स प्रिपेयर द हाइव एट एनी स्पेस ऑन द वॉल और ट्रीज. इन मूवेबल हाइव इट कंप्राइजेज ऑफ हॉलो वुड लॉग्स, एम्प्टी बॉक्सेस एंड अर्थन पॉट्स एट्सेट्रा, प्लेस्ड इन वरंडास ऑफ हाउसेज. देयर एग्जिस्ट टू होल्स, वन इज मोर फॉर एंट्रेंस एंड द अदर फॉर एग्जिट ऑफ द बीज. सो वी कम टू नो एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी. फॉर हनी एक्सट्रैक्शन बर्निंग फायर इज ब्रॉट नियर द हाइव एट द नाइट, एज ए रिजल्ट ऑफ विच बीज आर आइदर किल्ड और दे एस्केप ऑफ. तो पुराने मेथड में क्या होता था कि जो बी हाइव्स बने हुए होते थे बुशेज़ और ट्रीज़ पे, चाहे वो मूवेबल हों या फिर फिक्स्ड हाइव्स हों, यहाँ पे रात के समय में उन पे आग या फिर धुआं उनके आसपास किया जाता था, हाइव्स के आसपास, ताकि बीज मर जाएं या फिर वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से बी हाइव को छोड़ के चली जाएँ, हाइव्स को छोड़ के चली जाएँ. इसके बाद जब वो बीज चली जाती थी तो हाइव को फुल ऑफ हनी जो है उसमें से रिमूव कर लिया जाता था, उसके पीसेस कट कर किए जाते थे और हनी को स्क्वीज़ यानी निचोड़ के उस हाइव में से निकाल लिया जाता था. कभी कभी स्मोकिंग जो है वो बीज स्मोकिंग के थ्रू जो बीज होती हैं वो अपने आप को बचाने में हाइव में मतलब बचा नहीं पाती हैं और वो वहीं मर जाती हैं और उस हाइव में ही रह जाती हैं. कभी कभी इनके लार्वा और एग्स भी इस हाइव के अंदर होते हैं. सो हम इस ट्रेडिशनल मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि देखते हैं. इस ट्रेडिशनल मेथड में जो फर्स्ट अगर हम ड्रॉबैक देखें तो वो है हनी बिकम्स इम्प्योर. जो हमें मिलने वाला हनी है वो बहुत ही इम्प्योर होगा क्योंकि जब इसके हाइव को स्क्वीज़ किया जाता है तो ब्रूड सेल्स, पॉलन सेल्स, हनी सेल्स, इन सब में लार्वा रह जाते हैं और उनका एक्सट्रैक्शन भी इसमें आ जाता है. सेकंड जो ड्रॉबैक है वो है कॉलोनी जो होती है वो बहुत ही वीक बनती है जब हम एग्स को मार देते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, और लार्वे भी बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो जाते हैं यहाँ पे. थर्ड जो ड्रॉबैक है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइव बाय द एस्केप्ड बी रिक्वायर्स एक्स्ट्रा एनर्जी. तो हम अगर कह रहे हैं कि अगर हम इस तरीके के मेथड से बी हाइव को ही हम डिस्ट्रॉय कर देते थे तो जो बीज हैं उनको नया अपना हाइव बनाने के लिए मोर एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती थी. तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता था ट्रेडिशनल मेथड का. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और क्या ड्रॉबैक्स हैं, द एक्टिविटी ऑफ बीज कैन बी कंट्रोल्ड, और इनकी जो एक्टिविटीज़ होती थी उनको कंट्रोल किया जा सकता था. नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि जो अदर एनिमल्स जो एनिमीज़ हैं अदर एनिमल्स जो कि बी एनिमीज़ हैं जैसे रैट, आंट, वास्प, ये सब भी इस हाइव को बीच में ही यानी कि उनको हम उनकी रेयरिंग करें और उससे हनी हम तक पहुँचे उससे पहले वो उनको कई बार नष्ट कर देते थे. मंकीज़ अदर एनिमल्स भी इसको नष्ट कर देते थे. तो ये सारे ड्रॉबैक होने के कारण जो बी रेयरिंग है बीज की जो रेयरिंग की जा रही है उसके लिए मॉडर्न मेथड को अडॉप्ट करना ही पड़ा. तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है मॉडर्न मेथड फॉर बी कीपिंग. मॉडर्न मेथड क्या कहता है? मॉडर्न मेथड ये जो इंडिजिनस मेथड में रह गए ड्रॉबैक्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए एक एडवांस्ड मेथड बनाया गया, या हम इसे साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं. इस साइंटिफिक मेथड के कुछ फैक्ट्स हैं जिसकी हम बात कर लेते हैं. ये एक जो हमारी अगर इस मेथड को अपनाने से
पूरी जो हम कहें कि कॉटेज इंडस्ट्री है उसमें, इंडिया की कॉटेज इंडस्ट्री में एक नया एरा आया है इसकी वजह से। और ये जो मॉडर्न मेथड में जो हाइव्स यूज़ किए गए उनको मूवेबल आर्टिफिशियल हाइव्स कहा गया। दे दिस वाज डिज़ाइंड एंड इन्वेंटेड बाय लैंग स्ट्रॉथ इन 1951। इस तरीके के जो बी हाइव्स बनाए जाते थे उनका एक स्टैंडर्ड साइज़ होता था, जैसे कि लैंगस्ट्रॉथ के साइज़ जिनमें 10 फ्रेम्स होते थे। इससे पहले एक न्यूटन मॉडल भी था जिसमें 7 to 10 फ्रेम्स रखे गए थे, तो इसका जो साइज़ था वो अप्रॉक्सीमेट 44.8 × 23 सेंटीमीटर, यानी 44 इसकी लेंथ थी और इसकी विड्थ की बात की जाए तो 23 सेंटीमीटर का स्टैंडर्ड हाइव यूज़ किया जाता था इन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, इन सब जगहों पर। अब हम इसके बात करते हैं इस हाइव का कैसा स्ट्रक्चर था, या मॉडर्न मेथड जो बी कीपिंग के लिए यूज़ किया जा रहा था उसके क्या कौन कौन से अपरेटस थे, अप्लायंसेस थे जो कि यूज़ किए गए थे। फर्स्ट इज़ टिपिकल मूवेबल हाइव, सेकेंड एक क्वीन एक्सक्लूडर, इट इज़ ए पार्ट ऑफ मूवेबल हाइव। थर्ड इज़ हनी एक्सट्रैक्टर, फोर्थ इज़ अनकैपिंग नाइफ एंड फिफ्थ इज़ अदर और मिसकेलेनियस। नेक्स्ट हम देखते हैं टिपिकल मूवेबल हाइव। ये जो स्टैंडर्ड हम कह रहे हैं हाइव, ये इस तरीके का हुआ करता था जो कि टिपिकल मूवेबल हाइव है। इसके अगर हम देखें कि कौन कौन से पार्ट्स थे, कौन कौन से पार्ट्स इसमें रखे गए हैं, तो फर्स्ट अगर हम इसके पार्ट्स के बारे में देखें तो दे कंसिस्ट मैनी पार्ट्स। फर्स्ट इज स्टैंड जो कि आप देख ही रहे हैं, स्टैंड, सॉरी इसमें आपको स्टैंड नहीं दिख रहा है, ये स्टैंड से डायग्राम में नहीं बताया गया, बट इसमें एक स्टैंड होता है जो कि वुडन के बने हुए होते हैं और ये बॉटम को सपोर्ट करते हैं। ये आप बॉटम स्टैंड देख रहे हैं, इसको ये सपोर्ट करने का काम थे, ये बॉटम को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें आता है बॉटम बोर्ड। बॉटम बोर्ड की बात करें तो ये बॉटम बोर्ड एक बेसल पार्ट होता है हाइव का, जहाँ पे कि होल हाइव कंस्ट्रक्ट किया जाता है इसके ऊपर, इस बॉटम के ऊपर। हाँ, इट इज़ सिचुएटेड अबव द स्टैंड, ये एग्जैक्ट स्टैंड के ऊपर होता है और इसमें टू गेट्स होते हैं इन डिफरेंट पोजिशन। वन गेट इज़ फंक्शन एज एन एंट्रेंस एंड अदर इज़ एग्जिट, एज एग्जिट। थर्ड जो हम बात कर रहे हैं, थर्ड इज़ ब्रूड चैम्बर। ब्रूड चैम्बर जो यूज़ किया जाता है, देखिए एंट्रेंस के और एग्ज़िट के गेट बताए गए हैं, एंट्रेंस एग्ज़िट के गेट हैं। इसके बाद आता है ब्रूड चैम्बर। ब्रूड चैम्बर में क्या होता है, बॉटम बोर्ड जो है वो ब्रूड चैम्बर को कैरी करता है। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बी हाइव एंड इट इज़ लार्जेस्ट, इट इज़ लार्ज इन साइज, प्रोवाइडेड 5 to 10 फ्रेम्स। हर फ्रेम में एक वैक्स की शीट होती है जो कि हेक्सागोनल फ्रेम्स से बनी हुई होती है। नेक्स्ट आते हैं हम इसके, हाँ इस ब्रूड चैम्बर की हम बात कर लेते हैं। इस ब्रूड चैम्बर को मेन पार्ट भी कहते हैं। यहाँ पर अल्टीमेटली वॉल और सेल्स बनती हैं। ये शीट्स वैक्स की होती हैं जो कि कॉम्ब फाउंडेशन के नाम से जानी जाती हैं, विच अट्रैक्ट्स द बीज एंड प्रोवाइड द बेस ऑफ फॉर द कॉम्ब प्रिपरेशन ऑन बोथ साइड। द फ्रेम्स आर कैप्ड वर्टिकली इन ब्रूड चैम्बर एंड इट इज़ कवर्ड बाय अदर फ्रेम्स। और इसके ये जो फ्रेम्स हैं इनमें वायरिंग की मैशिंग होती है जो कि वर्कर उनकी जो बीच में जो जालियां बनी होती हैं वायर्स की, वो इतनी बारीक होती हैं कि उनमें से वर्कर्स इजीली पास हो जाएं। तो जो कॉम फाउंडेशन है, इट इज़ हेल्प ऑब्टेनिंग ए रेगुलर स्ट्रॉन्ग वर्कर ब्रूड सेल कॉम विच कैन बी यूज्ड रिपीटेडली। तो ये जो फ्रेम्स हैं ये ब्रूड चैम्बर्स के, ये बार बार यूज़ कर लिए जाते हैं। ये जो हाइव की बॉडी कह रहे हैं ना, यही ब्रूड चैम्बर्स कहे जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं सुपर चैम्बर। सॉरी, ब्रूड चैम्बर के बाद हमारा आता है क्वीन एक्सक्लूडर। क्वीन एक्सक्लूडर इट इज़ ए परफोरेटेड जिंक शीट, ये जिंक शीट की बनी होती है एंड असेंबल्ड इन सच ए वे दैट वर्कर्स कैन पास थ्रू दी। इसमें से भी वर्कर्स आपस में पास हो सकते हैं लेकिन क्वीन नहीं हो सकती है।
तो ये क्वीन को एक्सक्लूड करने के लिए इसलिए काम में आ रहा है, इसलिए हम इसे क्वीन एक्सक्लूडर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सुपर चैम्बर। सुपर चैम्बर जो कि इसमें भी बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं एंड कॉम फाउंडेशंस कंटेनिंग फ्रेम्स होते हैं इसमें, एंड दे प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर दी बीज। तो हम ये कह सकते हैं ये इट इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ हाइव, ये एक्सपेंड करता है हाइव के साइज को, या हम उसके साइज को एक्सपेंड करने में काम आता है। नेक्स्ट है इनर कवर। इनर कवर का काम है कि ये एक बोर्ड होता है, वुडन पोर्ट हो सकता है, और ये ब्रूड और सुपर चैम्बर और रूफ़ इन सबके पार्टीशन में काम आता है ये इनर कवर। तो इन सब का पार्टीशन करने के काम में ये कवर आता है। नेक्स्ट है टॉप कवर। टॉप कवर जो कि पूरे रूफ़ का सबसे, मतलब हम कहेंगे कि एक तरीके से एज ए रूफ़ की तरह काम करता है और इनर कवर के ऊपर लगता है, और ये रूफ़ जो कि प्रोटेक्ट करती है पूरे हाइव को, चाहे वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हों या अदर फैक्टर्स हों, उनसे प्रोटेक्ट करने में भी काम आती है। तो ये हमारा था मूवेबल आर्टिफिशियल हाइव का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम जो स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने इसमें देखा है क्वीन एक्सक्लूडर हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा हनी एक्सट्रैक्टर। हनी एक्सट्रैक्टर का क्या काम है ये देखिए आप, ये डायग्राम, ये आपको फ़ोटो से भी समझ में आ जाएगा। एक जाली नुमा स्ट्रक्चर है क्वीन एक्सक्लूडर, जो कि इतनी बारीक जालियाँ होती हैं जो कि जिसमें से क्या जा सकते हैं, वर्कर्स तो पास कर सकते हैं लेकिन क्वीन नहीं निकल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हनी एक्सट्रैक्टर। अब ये हनी एक्सट्रैक्टर है, ये क्या काम करता है, हनी एक्सट्रैक्टर इट इज़ यूज फॉर दी एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी फ्रॉम द कॉम एंड द फंक्शन ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये किस पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। आप ये एक हैंडल देख रहे हैं इसमें, इस हैंडल के थ्रू इसे रोटेट किया जाता है जिससे कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू इसमें से निकल जाता है। व्हेन कॉम्स आर सेंट्रीफ्यूज्ड बाय दिस डिवाइस द प्योर हनी इज थ्रोन आउट विदाउट एनी डैमेज ऑफ द कॉम। कॉम के बिना डैमेज के यहाँ पे कॉम्स फ्रेम की तरह जो फ्रेम्स हैं कॉम के, वो यहाँ पे फिट कर दिए जाते हैं और इसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। ये आप ड्रम जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे फ्रेम्स को लगा दिया जाता है और इस हैंडल के थ्रू इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन से रोटेट किया जाता है जिससे कि कॉम बिना टूटे, बिना डिस्ट्रॉय हुए यहाँ से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू सारा का सारा हनी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अनकैपिंग नाइफ। अनकैपिंग नाइफ ये एक, हम कह सकते हैं ये एक तरीके की मिसकेलेनियस एपरेटस में आता है, यानी अदर एपरेटस में आता है, जिसमें कि नाइफ का क्या काम होता है, इस फ्रेम में से नाइफ एक तरीके का आप नॉर्मल नाइफ जैसा ही है लेकिन बड़ा होता है ये साइज़ में और हैंडल होगा। तो आप देख रहे हैं ये फ्रेम्स को अनकैप करने में काम में आता है फ्रॉम दी एक्सट्रैक्शन ऑफ, जब इसका एक्सट्रैक्शन किया जाए उससे पहले इसको हनी को बाहर निकाला जाता है, यानी ये फ्रेम्स में से ऊपर की लेयर जो हनी की होगी उसको एक्सट्रैक्ट करता है, अनकैप करता है, और उसके बाद फ्रेम को हनी एक्सट्रैक्टर में डाल के और अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है हनी एक्सट्रैक्ट के लिए। अदर इक्विपमेंट्स में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे कॉम फाउंडेशन मिल आ जाएगी, इसके अलावा हमारे बी व्हील आ जाएंगी, और ये बी व्हील ये जो आप देख रहे हैं, जैसे जो भी रेयरिंग में वर्कर्स काम करते हैं उनको पहनने में काम आता है ताकि उनको नेक और फेस पे बीज अटैक ना करें उससे बचाने में। स्मोकर, ये आप देख रहे हैं स्मोकर है जो कि बीज को काम डाउन करने में काम आ रहा है जब हम हाइव को खोलते हैं, क्योंकि वो एकदम आक्रामक रूप ले लेती हैं जिसको काम डाउन किया जा सकता है। ग्लव्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, ब्रश, ये नाइफ, ये सब चीज़ें जो कि उसकी क्लीनिंग में काम आती हैं, तो ये सारे अदर एपरेटस भी इसमें यूज़ किए जाते हैं। नाउ हम लोग ये देखते हैं कि अब हमारा जो मॉडर्न मेथड यूज़ किया गया है उसके क्या एडवांटेज हैं। इसके एडवांटेजेस में अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ इससे हमें स्ट्रॉन्ग कॉलोनीज़ डेवलप होती हैं जो कि हमें शुगर सिरप प्रोवाइड कराती हैं। इसके अलावा मॉडर्न हाइव्स की जो स्वार्मिंग होती है, स्वार्मिंग ऑफ बीज हैं
वो भी हम चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम। स्वामिंग हम आपको नेक्स्ट थोड़ी देर बाद मैं इसके बारे में भी बताऊंगी स्वामिंग क्या है, और कॉम्ब को प्रोटेक्ट किया जा सकता है जो एनिमीज़ हैं, जो कि हमने कहा था जो प्रीवियस ड्रॉबैक्स रह गए थे उनको हम ओवरकम कर रहे हैं मॉडर्न मेथड से। तो वो हमारा एक ये मेथड, ये भी इसका एडवांटेज है। इसके अलावा हमें प्योर हनी मिल रहा है इन लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा और प्योर मिलेगा, क्योंकि हम सारे के सारे लार्वे को और सारे जो भी हमारे एग्स हैं उन सबको अलग रख रहे हैं। वर्कर्स अलग हैं, क्वीन्स अलग है, यहाँ पे सबके लिए अलग अलग फ्रेम्स बने गए हैं। तो इस तरीके से हम प्योर हनी, जो हमें मिलने वाला एक्सट्रैक्टेड हनी है हमारा, वो लार्ज अमाउंट में होगा और प्योर होगा। और हम सारी जो एक्टिविटीज़ बीज करती हैं उन पे हम प्रॉपर जो हम कह रहे हैं कि निगरानी भी रख सकते हैं, रेगुलेट भी कर सकते हैं उनको इजीली। अब अगर हम बात करें कि टोटली अगर हम बी कीपिंग है इसके क्या एडवांटेजेस हैं, जो कि हम जिसलिए हम बी कीपिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट हमारा जो अल्टीमेट एम है वो हमारा यही है कि कमर्शियल स्केल पे, लार्ज स्केल पे हमें अगर हनी कलेक्ट करना है उसके लिए हम बी कीपिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स भी इससे हमें मिल रहे हैं, जैसे वैक्स, रॉयल जेली, बी विनोम एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा बी कीपिंग का एडवांटेज है, ये हम लो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बी कीपिंग की जा सकती है। लो इन्वेस्टमेंट मीन्स जब कोई फार्मर्स अगर बी कीपिंग करते हैं तो उनको एक बड़ा स्पेस नहीं लेना पड़ता है, तो फार्मिंग के साथ साथ वो इसको काम कर सकते हैं, तो एडिशनल इनकम भी वो अपनी कर सकते हैं। तो ये भी एक लो इन्वेस्टमेंट पे भी ये बी कीपिंग की जा सकती है, तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज है इसका। और लास्ट जो है वो हम कह सकते हैं कि बीज जो हैं वो पॉलिनेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, तो हम पॉलिनेशन के लिए कह सकते हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर के साथ में हम बी कीपिंग करेंगे तो पॉलिनेशन भी हमारा ज़्यादा बढ़ेगा, और इससे पॉलिनेशन होगा, साथ साथ में हमारे नेक्टर्स भी जो है वो बड़ी मात्रा में कलेक्ट होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए जो कि हमें बी कीपिंग के वक्त रखनी चाहिए। फर्स्ट है जो बी हाइव्स होते हैं या बॉक्सेस हैं उनको हमें ड्राई एंड शेडेड जगहों पे, ठंडी जगहों पे ही रखने चाहिए। इसके अलावा हमें जो हाइव है वो बहुत ज़्यादा लंबे दूरी पर नहीं रखने हैं, जैसे कि हम जहाँ से नेक्टर कलेक्ट करके या पॉलन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं बीज, उन जगहों से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना है। यानी कि हमें उन्हें नेचर से, फ्लावर से, फ्लावरिंग जहाँ पे है, प्लांटेशन जहाँ पे है, उनसे आसपास ही उन बी हाइव्स को रखना होगा। इसके अलावा फ्रेश वाटर रिजर्वियर्स भी पास में होने चाहिए, क्योंकि बीज को इन सब चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट होती है, पानी वगैरह की भी। इसके अलावा इंडस्ट्रीज जो है वो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी हो, इसके लिए इंडस्ट्रीज़ को भी एकदम दूर दराज क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए, बजाय कि उन्हें रोड्स वगैरह के आसपास होना चाहिए। तो ये सारे हमारे प्रिकॉशंस हमें रखनी होगी। नेक्स्ट आते हैं हम इसके प्रोडक्ट्स पे कि हमें इस बी कीपिंग से क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं बट मेन प्रोडक्ट जो है हमारा वो है हनी। हनी जो जो कि कलेक्ट किया जाता है बी हाइव से, हनी की अगर हम बात करें तो इट इज़ ए ट्रूली एन इंसेक्ट प्रोडक्ट ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, एंड द फूड वैल्यू ऑफ हनी मस्ट मे बी एस्टिमेटेड बाई दी प्रेजेंस ऑफ अबाउट 80% शुगर इन इट। तो हम कह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन हनी है वो कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, प्लांट्स के नेक्टर से बीज कलेक्ट करके लाती हैं, फिर उनको एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के थ्रू उन्हें वो विस्कस उसमें कलेक्ट कर देती हैं, और उसमें सलाइवा मिक्स करके अपनी माउथ के क्रॉप में रखते हैं और उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, और वो अपनी विंग्स के थ्रू इसे विस्कस कर देती हैं या ई वेपोरेशन के थ्रू ये
एक विस्कस मटेरियल बन जाता है जिसमें कि 80% ऑफ शुगर कंटेन होती है। तो ये हनी कहलाता है ये प्रोडक्ट। तो अब हम कहें कि ये हनी कैसे बनेगा, प्रोडक्शन ऑफ हनी कैसे होता है। हम ये कह सकते हैं कि हनी एक डायरेक्ट कोई प्लांट नहीं होता है जहाँ से कि हनी बीज गई और वहाँ से कलेक्ट करके लेके आ गए। ये क्या करती हैं, जब नेक्टर, पॉलन, ये सब चीज़ें, केन शुगर, ये सब चीज़ें इकट्ठी होकर हनी बीज, हनी बी अपने प्लांट में से नेक्टर, पॉलन, केन शुगर और सिक्रेशन ऑफ फ्लावर्स एंड इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके इंजेस्ट करती है हनी बीज के थ्रू। और तो इसमें इनका सलाइवा मिक्स होता है और इसके बाद इसमें कुछ केमिकल चेंजेस आ जाते हैं ड्यू टू एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। और इस लेवल पे आकर शुगर केन शुगर जो है यानी सुक्रोज है, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाती है, डेक्सट्रोज एंड लेवुलोज में, डेक्सट्रोज और लेवुलोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस टाइम पे बीज जो है उनके जो इंग्रेडिएंट भी यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं इसके अंदर और ये वाटर कंटेंट को रिड्यूस करना शुरू कर देती हैं। और फिर ये जो कलेक्टेड मिक्सचर है ये हनी सैक में या हम कहें कि हनी के क्रॉप में इकट्ठा हो जाता है और जब तक कि वो हाइव तक नहीं पहुंचती हैं, यानी ये जब वो कलेक्ट करती हैं और जब से वो हाइव तक पहुंचती हैं ये सारी प्रोसेस वहीं हो जाती है। और ये हनी बीज जब हाइव तक पहुंचती हैं तो वो रिग्रूटेट करके हाइव सेल्स में इनको छोड़ देती हैं इस मटेरियल को, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज हनी। हनी जो है वो हम कहें तो बहुत ही वर्कर विंग्स जो हैं, वर्कर्स के जो विंग्स हैं उनके थ्रू इसे इवेपोरेट किया जाता है वाटर कंटेंट को। और क्योंकि वो लगातार क्रॉलिंग करती रहती हैं ओवर दी सेल तो ये हनी जो है वो ज़्यादा विस्कस हो जाता है। अब हम इसके अगर हम कंटेंट की बात करें तो इट इज़ अ वेरी मच स्वीट इन टेस्ट एंड वाइट वाइट टू ब्लैक कलर इन ब्लैक इन कलर। और इसकी स्मेल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। इसके यूज़ेस की बात करें तो इट इज़ हाईली मेडिसिनल वैल्यूज़, इट हैव हाईली मेडिसिनल वैल्यूज़, जैसे कि ये कोल्ड कफ फीवर में काम आता है। इसके अलावा इसकी बहुत ही न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ भी हैं क्योंकि ये जो प्रॉपर डाइट के लिए भी लोग इसे यूज़ लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हम कहें तो इसके ऐसे यूज़ेस हैं जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिंस, यूनानी मेडिसिंस में भी इसे यूज़ लिया जाता है। तो इसके बहुत सारे यूज़ेस हैं। अब इसके आते हैं हम केमिकल कंपोजिशन के बारे में करें तो केमिकल कंपोजिशन में अगर हम कहें तो इसका लेविलोज, डेक्सट्रोज, माल्टोज, ये सब इसके अंदर एंड अदर शुगर्स भी होती हैं। और इसके अलावा कुछ एंजाइम्स, पिगमेंट्स भी होते हैं इसमें, एशेज, वाटर, ये सारी चीज़ें उसमें। नेक्स्ट हम बात करें तो इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो हनी इज़ वेरी हनी इज़ यूज बाई ह्यूमन बींग्स इन डिफरेंट वेज, लाइक फ्यू फूड वैल्यूज़, मेडिसिनल वैल्यूज़ एंड अदर, मैंने आपको बता ही दिया जैसे इसके यूसेज जो भी हैं। नेक्स्ट आते हैं हम हनी बीज, हनी बी की वैक्स के बारे में देखते हैं। तो बी वैक्स के बारे में अगर हम कहें तो बी वैक्स वो है जो ये जो आप कॉम्ब्स देख रहे हैं ये कॉम्ब में होते हैं और ये बी वैक्स सिक्रीट की जाती है वैक्स ग्लैंड से जो कि इनके एब्डोमिनल, लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के यानी कि जो फोर्थ टू सेवेंथ वर्कर बी के चौथे से सातवें सेगमेंट एब्डोमिनल सेगमेंट से अंडर साइड से में लोकेट होती हैं। ये इन वैक्स ग्लैंड से ये बीज वैक्स सिक्रेटेड होता है और ये आपको कॉम्ब्स में दिखाई देगा। और इसका यूसेज अगर हम देखें तो कैंडल्स बनती हैं, क्रीम, लोशन, लिपस्टिक्स में इनका यूज़ होता है और कॉम्ब फाउंडेशन में भी ये बहुत ही अपेरेंटली यूज़ होती है। नेक्स्ट आते हैं हम इसके रॉयल जेली की बात करते हैं। इसका और एक प्रोडक्ट है रॉयल जेली, ये आप देख रहे हैं इसके कॉम्ब्स में है। ये भी एक तरीके का जो वर्कर बीज 4 से 10 दिन की ही ओल्ड होती हैं तो उनमें ग्लैंडुलर सिक्रीशन होता है और ये ग्लैंडुलर सिक्रीशन किससे होता है, हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से होता है जो कि हेड में प्रेजेंट होती है, उससे ये रॉयल जेली प्रोड्यूस होती है। आप देख रहे हैं, एक मिनट, हाँ आप देख रहे हैं ये इनके लार्वा वाले स्टेज है,
यहीं पे वर्कर बी के लार्वा से ये वाइट वाइट कलर का आपको रॉयल जेली दिख रहा है, ये सीक्रेट होता है, और ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा है बॉटल्स में, ये मार्केट में भी अवेलेबल होता है। इसका यूज़ की बात करें तो इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस एंड हीलिंग ऑफ वाउंड्स एंड इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी ये काम में आता है। नेक्स्ट आते हैं हम इसके बी विनोम के बारे में देखते हैं। बी विनोम यानी कि हम कह रहे हैं कि बीज जब डंक मार लेती हैं, आक्रमण करती हैं, तो उसका जो विनोम होता है उसके बारे में देखेंगे। बी विनोम इज़ ए बिटर कलरलेस एंड लिक्विड कंटेनिंग प्रोटीन विच कॉजेज लोकल इन्फ्लेमेशन, यानी कि एक लोकल सूजन, मतलब थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी सूजन भी कॉज करता है। इसके बारे में देखें ये क्या यूसेज है इसके। ये ऑर्थराइटिस में यूज़ होता है, नर्व पेन में यूज़ होता है, एंड बहुत सारे जो एलर्जिक पेशेंट होते हैं, एलर्जिक पेशेंट्स के डी सेंसिटाइजेशन में भी इसको काम में लिया जाता है, स्टिंग को काम में लिया जाता है। इसके अलावा इसे हम विनोम इम्यूनोथेरेपी भी कहते हैं। स्वोलन टेंडन्स, इसके अलावा फाइब्रो मायोसाइटिस और एंथिसाइटिस में भी इसका बी विनोम का यूज़ है। पेस्ट एंड डिजीज़ ऑफ हनी बीज, अब हम ये देखेंगे कि जो हनी बीज़ का जो रेयरिंग की जा रही है, इसमें कौन कौन से ऐसे एनिमीज़ हैं जो कि इसको ख़त्म करते हैं, या इसके जो हम कहें कि प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन को लो करने में काम करते हैं, या उनको ख़त्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेस्ट हैं, जैसे कि कुछ इसके इंसेक्ट एनिमीज़ भी हैं, जो कि जैसे वैक्स मोथ है, वास्प है, आंट है, हॉक मोथ है, ड्रैगन फ्लाई, वैक्स बीटल, ये सारे इंसेक्ट हैं। नॉन इंसेक्ट में अगर हम देखें तो स्पाइडर्स, स्यूडो स्कॉर्पियंस, ये सब इसको इसके हनी बी हाइव को डिस्ट्रॉय करती हैं। अगर हम कुछ पैरासिटिक इंसेक्ट भी देख सकते हैं, जैसे कि माइट्स हैं जो कि एंडो एंड एक्टो पैरासाइट्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे एक्टो में तो एकेरेपिस वुडी के नाम से है, और एक ब्रूड माइट जो कि एंडो पैरासाइट की फॉर्म में काम करता है। इसके अलावा कुछ वर्टिब्रेट्स भी हैं, जैसे टॉड, स्क्वायरल्स, बर्ड्स, रैट्स, स्नेक्स, लेजर्ड्स, ये सब भी ग्रीन बी ईटर, बियर, किंग क्रो, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, या बर्ड्स हैं, या हम कहें लेजर्ड्स वगैरह हैं, जो कि इसके बी हाइव को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करती हैं। डिजीज़ेस की बात करें तो इसमें कुछ डिजीज़ेस हैं जो कि इसको हार्म पहुंचाती हैं, जैसे नोसेमा डिजीज़, जो कि एक प्रोटोजोअन है नोसेमा एपिस, इसके थ्रू कॉज होता है, और जो कि डिसेंट्री कॉज करता है इन बीज़। और ये फ्लाइज जो होती हैं, ये इनको इन बीज़ की फ्लाई को रोकने में हेल्प कर रोकता है, और उनके एक्सक्रीटा को लूज़ कर देता है, जिससे कॉम्ब्स जो होते हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं, हाइव पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। और ये जनरली कब होता है, कोल्ड एंड वेदर के टाइम, कोल्ड वेदर के टाइम पे होता है। नेक्स्ट है ब्रॉड डिजीज़। ये ब्रॉड डिजीज़ जो है, हम कह रहे हैं ये ब्रॉड नहीं, एक्चुअली हम इसे ब्रूड डिजीज़ कह रहे हैं, सॉरी। और ये ब्रूड डिजीज़ क्या करती है, ये वैरायटी ऑफ डिजीज़ेस हैं इसमें जो कि ब्रूड इनका सफ़र करता है। अगर ब्रूड सफ़र करेगा, ब्रूड मीन्स जो कि इसके एडल्ट से पहले की जो फेजेज है, तो कॉलोनी की स्ट्रेंथ जो है वो भी कम होती जाएगी, और ब्रूड डिजीज़ेस जो है वो बहुत ज़्यादा तरीके से स्प्रेड होती जाती है, और बहुत ही सीरियस है, जो कि एडल्ट तक में भी, एडल्ट की डिजीज़ेस से भी ज़्यादा सीरियस होती है। तो इसमें कुछ नाम है, यूरोपियन फाउल ब्रूड, अमेरिकन फाउल ब्रूड, सैक फाउल, थाई सैक ब्रूड, ये बहुत सारी डिजीज़ेस हैं, चॉक फाउल ब्रूड डिजीज़, ये सारी डिजीज़ेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली रिडक्शन करती हैं प्रोडक्शन ऑफ हनी का, या हम प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। अब आते हैं हम स्वार्मिंग ऑफ हनी बी के बारे में जान लेते हैं। स्वार्मिंग ऑफ हनी बी क्या है, हनी बी जो कि हम इसको ये कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन ऑफ हनी बी भी कह सकते हैं इसको, कि जो कॉलोनीज़ का जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से होता है। तो स्वार्मिंग की प्रोसेस में हम कह सकते हैं सिंगल कॉलोनी जो है वो डिस्टिंक्ट कॉलोनीज़ में, दो या दो से ज़्यादा विभेदित कॉलोनी में वो स्प्लिट हो जाती है, यानी कि हम कह रहे हैं कि जो कॉलोनीज़ हैं उनका रिप्रोडक्शन होना,
यानी एक से दो, दो से चार, इस तरह से कॉलोनीज स्प्लिट हो जाती हैं। तो उसके कारण क्या है? तो स्वामी, आप समझ गए, हनी बीज जो है वो एक जगह से उठ के और दूसरी जगह, हम कहते हैं कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और वो एक नई कॉलोनी इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो स्प्लिट हो रहे हैं। तो इनका रीज़न क्या हो सकता है? स्प्रिंग हो सकता है इसके अलावा, और एक है फॉल्स स्वार्मिंग भी करते हैं। तो फॉल्स स्वार्मिंग मीन्स अगर कोई डिजीज़ हो गई, रॉबिंग हो गई, पेस्ट इन्फेस्टेशन हो गया, इसकी वजह से भी बीज जो है वो स्वार्म कर जाते हैं। इसके अलावा स्प्रिंग में कैसे होगा? स्प्रिंग में अगर कोई भी डिजीज़ है, वो हनी को, सॉरी, ओवर क्राउडिंग अगर हो गई है हनी बीज की, पुअर हेल्थ है अगर क्वीन की, तो भी बहुत सारे जो वर्कर्स और बीज हैं वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे और एक नई कॉलोनी इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो इस तरीके से कॉलोनी रिप्रोडक्शन भी इसे कहते हैं। तो ये है स्वामी और ये आपका हनी। दीज आर दी रेफरेंसेस फॉर दिस लेक्चर एपिकल्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।